बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप पूछ रहे थे डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। बेसिकली ये कानून जो है 2014 का है, डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। बस ये चीज़ है कि हर आपने देखा होगा हर शहर में तकरीबन ऐसा ही है कि दीवारों पे उठपटांग चीज़ें लिखी होती हैं, कोई जादूगर तो तावीज़ वाले ये वो बहुत कुछ जहाँ जगह मिलती है लोग लिख देते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो या पब्लिक प्रॉपर्टी हो, यहाँ पर भी जो है बगैर इजाज़त के लिखना सख्त मना है, उस जगह को बिगाड़ना किसी शेप में भी। आप उधर जो है कोई इश्तिहार लिखें, उसके ऊपर कोई फूल बेल बूटे बनाएं, कोई फूल बनाएं, कुछ भी बनाएं, मालिक की इजाज़त के बगैर, जो शख्स वहाँ रहता है मालिक है उसकी इजाज़त के बगैर, जो या जो जो ऑनर है उसका, उसकी इजाज़त के बगैर आप कोई चीज़ लिख नहीं सकते, ना ही कोई चीज़ उसके ऊपर बना सकते। अगर आपने ऐसा किया तो ये कानूनन जुर्म है, इसके अंदर सज़ा है और 5,000 रुपये जुर्माना है, और अगर आप रिपीट करते हैं इस जुर्म को तो फिर 1,000 रुपये डेली के हिसाब से जुर्माना है। अब आपके घर के बाहर कोई आता है इश्तिहारी मुहिम के अंदर बाहर इश्तिहार लगा के चला जाता है और दीवारों पे अजीब अजीब पेंट किए हुए होते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि आप फ़र्ज़ करें आपने आज बेहतरीन पेंट कराया, कल कोई दीवार पे अजीब चीज़ लिख के चला जाए, तो इसके बाकायदा कानून मौजूद हैं और उसका प्रोसेस सिंपल सा है। आपने 15 किया, पुलिस को बताया कि ये मेरे साथ हो गया, मेरी प्रॉपर्टी भी लिख के चले गए, ये पिनल ऑफेंस है, ठीक है। और इसके अलावा आप जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट जो है बेसिकली इसको डिप्टी कमिश्नर ज़्यादा देखते हैं इसको, आप डिप्टी कमिश्नर के पास दरख्वास्त दे देंगे मेरे साथ जो है मेरी प्रॉपर्टी भी लोग लिख के चले जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई लिख के चला जाता है, उसके ऊपर भी कोई लिख के चला जाता है तो वो इदारे के लोग मजाज हैं, उनको दरख्वास्त दें ताकि ये शहर एक बेहंगम सा लगता है, अजीब अजीब चीज़ें बातें लिखी हुई होती हैं। तो बहरहाल इसके बारे में कानून साजी हो चुकी है, कानून मौजूद है 2014 का, डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मौजूद है और उसके तहत जो है कोई भी शख्स आपकी प्रॉपर्टी को उसकी शक्ल नहीं बिगाड़ सकता, उसकी जो है चीज़ें चेंज नहीं कर सकता, उसकी हैसियत चेंज नहीं कर सकता, आपकी इजाज़त के बगैर कुछ ऐसा काम नहीं कर सकता, तो इसको डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहते हैं। और जो है आप सिंपल जो है थाने में दरख्वास्त दें तो ये आपका जो है उनको जुर्माना भी हो जाएगा, जिसने लिखा होगा अबल तो जो लिखता है वो अपने नीचे अपना नंबर फ़ोन नंबर तक लिख के चला जाता है, तो मेरे ख्याल में बहुत ईजी है और आप इसका हल मौजूद है। इसकी सज़ा जो है वो 6 महीने सज़ा है और 5,000 रुपये जुर्माना है, और जो है पर डे के हिसाब से 1,000 रुपया जो है उसके ऊपर लगेगा जुर्माना अगर वो रिपीट करता है। तो जो भी डिफेस करता है आपकी प्रॉपर्टी को, उठपटांग चीज़ें लिखता है, उसके ऊपर 6 महीने की सज़ा और जो है वो जुर्माना है 5,000 रुपये और पर डे के हिसाब से 1,000 रुपये जुर्माना। अगर उसने दोबारा रिपीट कर दिया, साल तक लगा रहा है आप उसके ऊपर, वो जुर्माना उसके ऊपर लगेगा।